हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम एम को और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। टुडेज टॉपिक इज डिसएडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के दोष के बारे में पढ़ेंगे, डिमेरिट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या डिमेरिट्स है। डिसएडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नंबर वन, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। नंबर टू, इंटरडिपेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट। नंबर थ्री, स्लो डिसीजन मेकिंग। नंबर फोर, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। एंड नंबर फाइव, लिमिटेड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका यहां पर इग्नोरेंस होता है, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सारा डिपार्टमेंट अपने गोल को अचीव करने में लगा रहता है। उससे मतलब नहीं है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसी फॉर्म के, उसी इंटरप्राइजेज के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उन लोगों का ख्याल नहीं रखता, सिर्फ वो अपने डिपार्टमेंट की भलाई के बारे में सोचता है, अपने डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस देता है और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो तैयार रहता है। इससे क्या होता है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं उसके बारे में सोचा नहीं जाता है, और जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, जो पूरे फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है, उसको पाना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है और इंटरप्राइजेज में कभी कभी हानि भी हो जाती है। People working in one department concentrate in their department without much bothering about other department. मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का झंझट वो लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि अगर हम कोई काम करेंगे उससे दूसरे डिपार्टमेंट को क्या परेशानी होगी, उसके बारे में नहीं सोचते। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे की परेशानी को न समझते हुए सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने में वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस मोर एंड मोर विदाउट आस्किंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिना पूछे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं होता है, वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकना चाहिए, सेल होना चाहिए। अगर सेल नहीं होगा तो फर्म का, कंपनी का लॉस होगा। ये पहला डिमेरिट है कि यहां पर दूसरे डिपार्टमेंट को या जो फॉर्म का जो गोल है उसको इग्नोर किया जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, लेकिन मार्केट में पता चला कि वहां पर लोगों को मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसे हालात में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना क्रेडिट पाने के लिए, कंपनी का क्रेडिट पाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया। सिर्फ यहां प्रोडक्ट बनाने से मतलब नहीं है, वो प्रोडक्ट सेल भी होना चाहिए, लेकिन मार्केट में जो लोगों का डिमांड है वो मीडियम क्वालिटी का होना चाहिए, और इन्होंने अपना क्रेडिट बनाने के लिए बेस्ट क्वालिटी का बना दिया। इससे क्या हो गया, अपना तो क्रेडिट बन गया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर्म के लिए, कंपनी के लिए
बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये था पहला डिमेरिट्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको इग्नोर किया जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नंबर टू, इंटरडिपेंडेंट इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ यहां पर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, उल्टा एक दूसरे में लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम लगाता है कि आपने प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया इसलिए इसका सेल अच्छा से नहीं हुआ, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है कि आपने जो रॉ मटेरियल दिया था वो अच्छा नहीं था, जिसके चलते हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बनी, जिससे सेल नहीं हुआ। इस प्रकार एक डिपार्टमेंट दूसरे, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे को ब्लेम करते रहता है और नतीजा यह होता है कि एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। When some deficiency comes to light in an department, जब अगर बिजनेस अच्छा से रन कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा से सेल हो रहा है, वहां कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई कमी आई, when some deficiency comes to light in a department, अगर किसी तरह की कमी अगर आई डिपार्टमेंट के अंदर में, अगर किसी तरह की कमी आई, इट ट्राइज टू पास ऑन द वर्क ऑन सम अदर डिपार्टमेंट। तो ये जो कमी आती है किसी डिपार्टमेंट में तो वो पास ऑन करता है, मतलब अपनी गलती नहीं बताता है, वो दूसरे को गलती ठहराता है, दूसरे को ब्लेम करता है। इफ देयर इज डिक्रीज इन सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ब्लेम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर सेल्स में डिक्रीज हो गया, कम सेल हो गया, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो किसको ब्लेम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एक्यूजिंग दैट पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेस, और वो साफ कहता है कि अगर मेरा सेलिंग लेस है, कम है, तो इसका एकमात्र कारण है कि आपने जो क्वालिटी बनाई है वो ढंग की नहीं है, ठीक नहीं है। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ब्लेम द परचेज डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको ब्लेम करता है, परचेज डिपार्टमेंट को, बाय सेइंग दैट पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मेटेरियल इज कॉजेज द पुअर प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ मेरा डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि परचेज डिपार्टमेंट का है, जिन्होंने रॉ मटेरियल मुहैया कराया है, सप्लाई किया है। इस तरह से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहती है। नंबर थ्री, डिसएडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्लो डिसीजन मेकिंग। There are so many departments here, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होने के चलते अगर कोई डिसीजन लेना हो तो सारे डिपार्टमेंट को एक साथ बैठ करके बात करने की जरूरत है, और सभी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, तो डिपार्टमेंट ज्यादा होने के चलते और हर एक डिपार्टमेंट का जो गोल होता है, टारगेट होता है, अलग होता है, उसकी समस्या अलग होती है,
तो किसी तरह का डिसीजन खुद कोई डिपार्टमेंट नहीं ले सकता है। ऐसे सिचुएशन में सारे डिपार्टमेंट को एक साथ बैठ करके एक दूसरे की सहमति लेकर के ही डिसीजन लिया जा सकता है। और एक साथ बैठने की जो बात होती है, एक साथ मिल करके जो डिसीजन लेने की बात होती है, जिसमें समय अधिक लगता है। इसलिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये तीसरा डिमेरिट है, डिसएडवांटेजेज है, स्लो डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसीजन जो है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पर मोर देन वन डिपार्टमेंट है और सबका डिफरेंट प्रॉब्लम है। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग मे बी स्लो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर का। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिसीजन लेने की बात होती है वो बहुत स्लो होता है। द रीजन इज दैट सम डिसीजन रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विथ टू और मोर डिपार्टमेंट। डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब दो या दो से अधिक डिपार्टमेंट एक साथ बैठ करके बात करें। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सजेस्ट सम इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सजेशन है कि जो प्रोडक्ट है उसमें इंप्रूव किया जाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्सपेक्ट एंड इंप्रूव रॉ मेटेरियल। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास जो रॉ मेटेरियल आ रही है उसमें इंप्रूव होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट में एक्सप्रेस डिफिकल्टी। और परचेज डिपार्टमेंट अपना दुख अपना रोना रोता है कि हमको जो ये सुविधा हम आपको रॉ मेटेरियल जो पहुंचाते हैं, जो उसकी हम व्यवस्था करते हैं, उसमें हमको काफी परेशानी होती है, उसके लिए हमको मदद किया जाए, उसके लिए कोई आसान सा रास्ता ढूंढा जाए। दिस डिपार्टमेंट मे टेक ए लॉन्ग टाइम इन रीचिंग एट कंसेंसस। तो क्या है, यहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, परचेजिंग है, और सभी डिपार्टमेंट का रोना अपना अलग अलग है। और जब ये लोग आपस में बैठेंगे, बात करेंगे और एक दूसरे का जब हम कॉन्सेंट लेंगे, तो इसमें जो समय है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो डिसएडवांटेजेस तीसरा है, स्लो डिसीजन मेकिंग, यहां पर जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत स्लो होता है। नंबर फोर, डिसएडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो नंबर फोर डिसएडवांटेज है वो है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होने से अब पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहला का तीसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है। प्रॉब्लम यहां पर यह होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपना गोल अचीव करने में रहता है। हर डिपार्टमेंट अपना गोल अचीव करने में रहता है, और ये लोग भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इट मे बी डिफिकल्ट टू अचीव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट ओरिएंटेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। उसका कारण ये है कि यहां पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब अपने गोल को अचीव करने में रहते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए यहां पर कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। नंबर फाइव, डिसएडवांटेजेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लिमिटेड प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में
यहाँ पर एक्सपेंशन की गुंजाइश बहुत कम ही रहती है, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक दूसरे प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो फिर से एक नया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो यहां पर ये डिसएडवांटेजेज है, हम लोग यहां पर एक प्रोडक्ट के मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, परचेजिंग के बारे में बात कर सकते हैं। जहां एक्सपेंशन की बात करेंगे उसके लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर लैक्स प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसमें हम एक्सपेंशन की बात ही नहीं कर सकते हैं, इसकी कमी है इसमें। इफ द फर्म डिसाइड टू प्रोड्यूस द अलाइड प्रोडक्ट, अगर कोई एडिशनल प्रोडक्ट बनाना चाहती है, इट मे रिक्वायर अ न्यू फंक्शन, तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक नया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एज एडिशनल प्रोडक्ट मे नॉट इजिली बी टेकन ऑफ एग्जिस्टिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसमें हम दूसरे प्रोडक्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि यहां पर एक्सपेंशन की बात नहीं करनी है। सुटेबल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो किसके लिए उपयोगी है, सुटेबल किसके लिए है, उसकी हम लोग बात करेंगे। नंबर वन, इट इज हाईली सुटेबल फॉर एन एंटरप्राइज इंगेज इन प्रोडक्शन एंड वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे फॉर्म जो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसके लिए ये सुटेबल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नंबर टू, इट इज सुटेबल वेयर द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट इज बिग, वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका साइज बड़ा हो, बिग हो, उसके लिए सुटेबल है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड नंबर थर्ड, इट इज वेरी यूजफुल वेयर इज डिजायर्ड टू इंट्रोड्यूस स्पेशलाइजेशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शन, और वैसे ऑर्गेनाइजेशन, वैसे फॉर्म जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, उन लोगों के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल है। थैंक यू।